बसपा विधायक टूटकर सपा में चले गए, यह कहना यह घोर छलावा। समाजवादी पार्टी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता वाली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का अखिलेश पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव द्वारा बहुजन समाज पार्टी के टूटे विधायकों को अपना बताना या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने का जो माहौल है वहां पर चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने ट्विटर हैंडल से अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि घृणित जोड़ तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, यह घोर छलावा है। वो आगे लिखती है कि जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। बहन कुमारी मायावती जी का यह भी कहना है कि जिन विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया है उनके ऊपर यही आरोप था कि वह पहले से सपा और एक उद्योगपति से मिलीभगत कर चुके हैं और इसी आरोप के चलते उनको निकाला गया है, उनका निलंबन किया गया है। वो आगे लिखती है कि सपा अगर इन निलंबित विधायकों को के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को ले लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि जगजाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार करने के लिए वह कतई तैयार नहीं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया व खासकर भदोही को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति निंदनीय है। बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो घोर जातिवादी और दलित विरोधी है, क्योंकि उन्होंने भदोही जिले का जो नाम है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में संत रविदास नगर रखा गया था, लेकिन सपा सरकार ने अखिलेश ने उसे बदल कर वापस भदोही रख दिया। इससे उनकी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता जो है वो सामने आती है। वे आगे लिखती है कि वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैतरबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगा। यहां पर बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया है कि वो किस प्रकार से घृणित मानसिकता को रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इनकी यह जो नाटकबाजी है, यह ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष बनाने के लिए लग रहे हैं। वही साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो तमाम सारे लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए उभरती नजर आ रही है और यह जो काम है बहुजन समाज पार्टी का यह जारी रहेगा और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी को सबक जरूर सिखाएगी। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।